खेल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। रणजी ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला दिल्ली और बंगाल के बीच खेला जा रहा है, जहां दूसरे दिन गौतम गंभीर और कुणाल चंदेला के शानदार शतकों के दम पर दिल्ली ने 3 विकेट पर 271 रन बनाए। इससे पहले बंगाल की पहली पारी 286 रन पर सिमट गई। तो ये जानते हैं पुणे के महाराज क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा हाल। दूसरे दिन 7 विकेट पर 269 रन से आगे खेलने उतरी बंगाल की टीम अपने स्कोर में सिर्फ 17 रन ही और जोड़ सकी। श्रीवास गोस्वामी 29 रन बनाकर नवदीप सैनी की गेंद पर LBW हुए। 8 रन बनाकर खिलाए आमिर गनी रन आउट हुए। इसके बाद अशोक डिंडा को 2 रन के स्कोर पर कुलवंत खेजरोलिया ने मनन शर्मा के हाथों कैच करा पवेलियन लौटाया, जबकि मोहम्मद शमी 1 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह बंगाल ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट पर 286 रन बनाए। दिल्ली के लिए नवदीप सैनी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, वहीं कुलवंत खेजरोलिया ने 2, मनन शर्मा ने 2, विकास टोकस ने 1 और विकास मिश्रा भी 1 विकेट चटकाया। जवाब में उत्तरी दिल्ली की शुरुआत बेहतरीन रही। कुणाल चंदेला और गौतम गंभीर ने पहले विकेट के लिए 232 रन जोड़े। कुणाल चंदेला ने 18 चौके और 1 छक्का लगा 113 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। कुणाल को 113 रन के स्कोर पर अमित ने गोस्वामी के हाथों कैच करा दिल्ली को पहला झटका दिया। इसके बाद ध्रुव शौर्य 12 रन बना अशोक डिंडा की गेंद पर विकेट कीपर गोस्वामी को कैच दे बैठे। स्टार बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी 127 रनों की पारी खेली। गंभीर ने अपनी इस शतकीय पारी में 21 चौके लगाए। गौतम गंभीर 127 रन बना शमी की गेंद पर गोस्वामी को कैच दे बैठे। नीतीश राणा 11 रन बना क्रीज पर मौजूद है। इस तरह दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दिल्ली ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 271 रन बनाए। अब से कुछ ही देर में तीसरे दिन का खेल शुरू होगा। दिल्ली पहली पारी में बंगाल से सिर्फ 15 रन पीछे है और उसके पास 7 विकेट बाकी है। ऐसे में दिल्ली की टीम बंगाल के खिलाफ एक बड़ा स्कोर कर मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाना चाहेगी।